सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ सैम। और यहाँ पे अगर आप भी एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल खेलने के बाद कन्फ्यूज़ हो कि यार मुझे कौन सा लेजेंड यूज़ करना चाहिए या फिर कौन सा लेजेंड मैच करेगा मेरे गेम प्ले स्टाइल को, क्योंकि देखो यहाँ पे सभी लोग तो रश करके खेलना नहीं पसंद करते, कुछ लोग यहाँ पे डिफेंसिव खेलना पसंद करते, कुछ लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे ऐसा तो नेसेसरी बिल्कुल नहीं है कि आपको हर मैच में सिर्फ रश करने वाली टीम देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सही लेजेंड को चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर गेम प्ले स्टाइल। और अगर आप इस एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गेम में बिगिनर हो तो अरे डेफिनेटली आज की वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए। तो आप बिना आपको और ज़्यादा वक्त ले चले आज की वीडियो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल में जितने भी सारे लेजेंड्स हैं उनके क्लासेस क्या होते हैं और कैसे ये चीज़ आपको सही लेजेंड चूज़ करने के लिए मदद कर सकती है। अब देखो यहाँ पे कब से मैं क्लासेस करे जा रहा हूँ, तो एग्जैक्टली ये क्लासेस होते क्या है। तो देखो ये क्लासेस और कुछ नहीं बल्कि एक वे है लेजेंड्स को कैटेगराइज करना। और इस गेम में हमें चार क्लासेस देखने को मिलते हैं। और ये क्लासेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे देखो जब भी आप गेम ओपन करते हो और लेजेंड सेक्शन में जाते हो वहाँ पे इस गेम में देखने को मिलने वाले सब लेजेंड्स आपको दिख जाएंगे और उसी के ऊपर आपको क्लासेस देखने को मिलते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ऑल पे सिलेक्ट रहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से क्लासेस देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्लास है वो है रिकॉन। और इस क्लास में हमें तीन लेजेंड्स अभी के लिए देखने को मिलते हैं, पाथफाइंडर, ब्लडहाउंड और क्रिप्टो। और जितने भी लेजेंड्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो लेजेंड्स इन गेम खेलते वक्त नेक्स्ट जोन कहाँ बनने वाला है ये पता लगा सकते हैं। और अगर आपने मेरी लेजेंड एबिलिटीज वाली वीडियो देखी रहेगी तो उसमें मैंने बताया था कि एक पैसिव एबिलिटी होती है पाथफाइंडर की, लेकिन जब से इन्होंने पीसी वर्जन में लेजेंड्स क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया है तब से ये एबिलिटी ब्लडहाउंड और क्रिप्टो के पास भी आ चुकी है। सो अगर आप पाथफाइंडर, ब्लडहाउंड या फिर क्रिप्टो में से कोई लेजेंड यूज़ करते हो या फिर इनमें से कोई लेजेंड आपके टीम पे है तो आपकी टीम को डेफिनेटली नेक्स्ट जोन कहाँ बनने वाला है पता चल सकता है। और याद रखना है एक्स्ट्रा पैसिव एबिलिटीज़ है तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं रहती। अब देखो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे प्लेयर हो जो कि स्काउटिंग करना पसंद करता है या फिर करती है तो यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली रिकन क्लास वाले लेजेंड्स काम में आ सकते हैं। और अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो है सपोर्ट क्लास। और इस क्लास में हमें अभी के लिए बस एक ही लेजेंड देखने को मिलती है और जिसे कि इस क्लास का नाम ही है आप गेस कर चुके होंगे कि ये सपोर्ट करती है अपनी टीम को। अब अभी सपोर्ट का मतलब सिर्फ गन फाइट्स में सपोर्ट नहीं, अगर आपको लाइफलाइन के एबिलिटीज के बारे में पता है तो इस क्लास में हमें ऐसे लेजेंड्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने टीम को सपोर्ट कर सकती है। और अभी जैसे कि हमें रिकन में एक एक्स्ट्रा पैसिव एबिलिटी देखने को मिली थी वैसे सेम सपोर्ट क्लास में लाइफलाइन के पास एक एक्स्ट्रा पैसिव एबिलिटी है। और ये हमें तब काम में आती है जब मैप में अगर आपने देखा रहेगा सप्लाई बीन्स हमें देखने को मिलते हैं ऑरेंज और ब्लू कलर में, तो जो ब्लू कलर के सप्लाई बीन्स रहते हैं उनके अंदर से एक्स्ट्रा लूट को निकाल सकती है या फिर सकता है अगर फ्यूचर में कोई लेजेंड ऐड होता है इस क्लास में। सो अगर आप एक ऐसे प्लेयर हो जो कि डायरेक्टली फाइट्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते और अगर आपके टीम के लिए एकदम अच्छे से सपोर्ट सिस्टम बन के रहना है तब आप सपोर्ट क्लास के लेजेंड्स यूज कर सकते हो। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो है डिफेंसिव क्लास। और अब सीधा बता देता हूँ इस क्लास में जितने भी लेजेंड्स आते हैं आप में से काफी हद तक लोगों ने सही गेस किया रहेगा। इस क्लास में हमें देखने को मिलता है जिब्राल्टर, कॉस्टिक और वैटसन। अब यहाँ पे इन लेजेंड्स की तो देखो एबिलिटीज होती है डिफेंसिव और ये लेजेंड्स यार मुश्किल से मुश्किल वक्त में अपने टीम को डिफेंड करने का काम करते हैं। और अब बात करें इनकी एक्स्ट्रा पैसिव एबिलिटी जो ये क्लास इन्हें देती है, तो जब भी कोई डिफेंसिव प्लेयर अपने टीममेट को रिवाइव करेगा तो जिस बंदे को यहाँ पे रिवाइव मिलेगा उसकी शील्ड्स रिस्टोर हो जाएगी कम्प्लीटली। अब देखो यहाँ पे जितने भी क्लासेस के एक्स्ट्रा पैसिव एबिलिटीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी तक मैंने क्लोज बीटा में तो नोटिस नहीं किया है और अभी इनमें से कुछ ट्राई करके नहीं देखे मैंने, लेकिन मे बी हमें नेक्स्ट क्लोज बीटा में देखने को मिल सकते हैं। और अगर क्लोज बीटा में देखने के लिए नहीं मिले तो डेफिनेटली ग्लोबल वर्जन में तो देखने मिलेंगे। और अगर आप एक ऐसे प्लेयर हो जो कि डिफेंसिव खेलना पसंद है यानी कि काइंड ऑफ आप पोजिशन होल्ड करके फाइट्स लेना पसंद करते हो तो आप डिफेंसिव क्लासेस के लेजेंड्स को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे इसके बाद जो बचती है लास्ट क्लास इसका नाम है ऑफेंसिव क्लास। और यहाँ पे बचे हुए जितने भी लेजेंड्स हैं वो सब इस क्लास के अंडर आते हैं। और यहाँ पे अगर आप एक ऐसे प्लेयर हो जो कि सिर्फ रश करना पसंद करते हैं या फिर मेनली एसोल्टिंग करते हैं और फ्रंट में खेलना पसंद करते हैं तो आप इनमें से लेजेंड्स चूज कर सकते हो, क्योंकि ऑफेंसिव क्लासेस में जितने भी लेजेंड्स आते हैं उनकी एबिलिटीज आपको फ्रंट लाइन में खेलने के लिए मदद करती है। और यहाँ पे बात करें इस क्लास की एक्स्ट्रा पैसिव एबिलिटी की, तो एक एक्स्ट्रा स्लॉट प्रोवाइड करते हैं बैकपैक में ग्रेनेड्स कैरी करने के लिए। और एकदम ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जो लोग फ्रंट में खेलते हैं उनके पास सप्लाई से ज्यादा एमोज और ग्रेनेड्स ज्यादा रहने चाहिए। सो यहाँ पे मैं होप करता हूँ आपको ये चार ही क्लास समझ में आ चुके हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आगे से लेजेंड चूज करते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब एक लेजेंड सिलेक्ट करने से पहले बहुत सारे लेजेंड्स को ट्राई करके देखो। और अगर आप लेजेंड एबिलिटीज के बारे में जानना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी तीन वीडियोस बना के रख दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल गाइड सीरीज। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, जाते जाते एक लाइक कर देना और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अभी और एक बात मेंशन करनी थी कि जब तक नेक्स्ट क्लोज बीटा आता नहीं तब तक के लिए आपको थोड़ी कम वीडियोस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि मैं इनकंसिस्टेंट बिल्कुल ना रहूं। और अगर आप इस मेरे चैनल पे नए हो तो मैं ऐसे एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे जाके दूसरे वीडियो
चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।